हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारे किचन में। तो आज हम हाजिर हैं एक और न्यू रेसिपी के साथ। आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो ये हमने डाल लिया पतीले में पानी। अभी इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। अभी डाल देंगे चीनी। ये हमने एक कटोरी चीनी डाल दी है। अभी इसको घोलने तक ही गर्म करेंगे, बस ये चीनी अच्छे से पानी में घुल जाए। इसको थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे। तो अभी लेंगे कढ़ाई में तेल। तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। तब तक लेंगे गेहूँ का आटा। ये हमने छान के आटा ले लिया है। अभी इसमें डालेंगे अजवाइन। हमने अजवाइन डाल दिया है। अभी लेंगे सौंफ। सौंफ डालेंगे इसमें। सौंफ और अजवाइन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अभी डालेंगे इसमें खाने वाला मीठा सोडा। इससे हमारे गुलगुले अच्छे से फूल जाते हैं और कुरकुरे बनते हैं। अभी जो हमने घोल लिया था चीनी वाला, वो डालेंगे इसमें। जो हमने चाशनी बनाई थी, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इसको आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मिक्स कर देंगे ताकि इसमें गुठलियाँ नहीं बने। हमारा पेस्ट तैयार है। अभी तेल गर्म हो गया। अभी इसमें छोटे छोटे हाथ की सहायता से डाल देते हैं। गुठलियाँ डाल देंगे। इनको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाना है ब्राउन होने तक। तो ये हमारे गुलगुले बन रहे हैं। ये हमारे गुलगुले तैयार हैं। बहुत ही कुरकुरे बने हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू।